हेलो एवरीवन आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं डी यू के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन अब आप में से बहुत से बच्चे सवाल करेंगे सर ये जो थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं इसके ऊपर तो आपने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है फिर ये दोबारा से क्यों है ये वीडियो इस्पेशली दोस्तों ये जो वीडियो है ये फोर्थ सेमेस्टर को फोकस करते हुए बनाई जा रही है पहले हम लोग क्या सोचते थे कि इतने महीनों से दो तीन महीनों से हम ये चीज़ गा रहे थे कि थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे तो अब फाइनली बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म निकल गए हैं और बीए प्रोग्राम और बी ऑनर्स के भी अगले सात आठ दिन में फॉर्म निकल जाएंगे रिज़ल्ट आने के बाद जो पेंडिंग कोर्सेज़ हैं तो अब क्या हो रहा है कि डी यू आपसे जब थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म भरवा रहा है तो उसमें थर्ड भी और फोर्थ भी दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट आप लोगों से चूज़ करवा रहा है ताकि आप लोग जब फोर्थ सेमेस्टर आएँ उससे पहले आपको कोई भी एक्टिविटी कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा आप थर्ड सेमेस्टर में जब एडमिशन ले रहे हो तो एक ही बार में आपको थर्ड सेमेस्टर के भी और फोर्थ सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट चूज़ करने हैं तो इसलिए इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो यही है कि आप लोगों को सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले इस बात की पूरी जानकारी हो जाए कि आपके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स कौन से हैं तो यह ऑफिशियल वेबसाइट हम कंटिन्यू टू वेबसाइट पर आ जाते हैं और सी बी सी एस पे जाके सी बी सी एस सिलेबस यू जी इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको सारा स्ट्रक्चर मिल जाएगा सबसे पहले हम बी कॉम ऑनर्स की बात कर लेते हैं बी कॉम ऑनर्स में सेमेस्टर थ्री में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे यहाँ पर आप लोगों के सामने हैं कोर कैटेगरी के अंदर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इनकम टैक्स लॉ मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन पढ़ोगे इसके अलावा चौथा सब्जेक्ट आपका स्किल इन्हांसमेंट में से होगा कोई एक ठीक है ये जो आपके सामने छः ऑप्शन है इन छः में से सलेक्शन नहीं है सिर्फ आपको ई e कॉमर्स और पर्सनल फाइनेंस जी हाँ बी कॉम ऑनर्स में थर्ड सेमेस्टर में जो चौथा सब्जेक्ट है उसमें आपको या तो ई e कॉमर्स लेना है या पर्सनल फाइनेंस में आपकी चॉइस है फिर पांचवा सब्जेक्ट आपका जनरल इलेक्टिव है जो कि मनी एंड बैंकिंग है इसमें कोई चॉइस नहीं है और बी कॉम ऑनर्स में तो फोर्थ सेमेस्टर है अगेन तीन कोर पेपर रिमेन सेम मतलब सेम फॉर ऑल स्टूडेंट जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग है बिजनेस मैथमेटिक है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस है स्किल इन्हांसमेंट में कंप्यूटर कम्प्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम और साइबर क्राइम में से कोई एक आपको चूज़ करना है और जनरल इलेक्टिव में पब्लिक फाइनेंस है बात अगर करी जाए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की तो कोर सब्जेक्ट सब बच्चों के सेम रहेंगे जिसमें आपका इंट्रोडक्शन टू कॉम्पटेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है चौथा सब्जेक्ट आपका स्किल इन्हांसमेंट में है यू लॉस राइट कोई इसमें चॉइस नहीं है और पांचवा सब्जेक्ट आपका जनरिक इलेक्टिव में से आपको चूज़ करना है जिसमें तीन चार सब्जेक्ट्स की चॉइस आप लोगों के सामने है जिसमें मनी एंड बैंकिंग भारत भाषा और समाज मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पेसिफिक लिटरेसी टर्म्स इन चारों में से कोई एक आपको जनरिक इलेक्टिव में चूज़ करना है फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में अगेन तीन कोर सब्जेक्ट सबके सेम रहेंगे जो कि आपके सामने है लाइक पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपेटेटिव परस्पेक्टिव पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया ग्लोबल पॉलिटिक्स स्किल इन्हांसमेंट में आपके पास लेजिलेटिव प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर होगा और पाँचवा सब्जेक्ट अगेन जेनरिक इलेक्टिव में कोई एक चूज़ करना है आपको जिसमें पब्लिक फिनेंस है बेस्ट बेस सेलर्स है और हिंदी का वैश्विक परिदृश्य है और आपकी डिपार्टमेंट ऑफ तमिल का एक सब्जेक्ट है ऑटोबायोग्राफी ठीक है इसके बाद बारी आती है इंग्लिश ऑनर्स की इंग्लिश ऑनर्स में अगेन तीन कोर पेपर होंगे आपका अमेरिकन लिटरेचर पॉपुलर लिटरेचर ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा सेवनटीन एंड एटीन सेंचुरी चौथा सब्जेक्ट आपको स्किल इन्हांसमेंट में से कोई एक लेना है जिसमें दो ऑप्शन है ट्रांसलेशन स्टडीज़ और लिटरेचर इन क्रॉस कल्चर देखो यार ये जो दो ऑप्शन है अगर आप थर्ड सेमेस्टर में ट्रांसलेशन स्टडीज़ लेते हो तो फोर्थ में लिटरेचर इन क्रॉस कल्चर पढ़ना होगा और इसका उल्टा कर दो तो, अगर आप थर्ड में लिटरेचर इन क्रॉस कल्चर लेते हो तो फोर्थ में ट्रांसलेशन स्टडीज़ पढ़ना होगा और जनरिक इलेक्टिव में थर्ड सेमेस्टर में आपके पास चॉइसिस हैं मनी एंड बैंकिंग गांधी एंड गांधी एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड और भाषा और समाज और स्पेसिफिक लिटरेसी टर्म्स फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश ऑनर्स की बात करें तो तीन कोर सब्जेक्ट अगेन रिमेन सेम फॉर ऑल द स्टूडेंट जिसमें ब्रिटिश लिटरेचर एटीन सेंचुरी है ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर ब्रिटिश लिटरेचर नाइन्टीन सेंचुरी है और अगेन इसके लिए इन्हांसमेंट में आपको मैंने दिखा दिया इन दोनों में से अगर जो भी सब्जेक्ट आप थर्ड में पढ़ चुके हो तो उसका अल्टरनेट सब्जेक्ट फोर्थ में पढ़ोगे जनरिक इलेक्टिव में आपके पास चॉइसेस हैं जिसमें से कोई एक सब्जेक्ट लेना है पब्लिक फाइनेंस और हिंदी का वैश्विक प्रदर्शनी यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्स और आपके ऑटोबायोग्राफी इन पाँचों में से कोई एक सब्जेक्ट आप लोग चूज़ करोगे इसके बाद बारी आती है दोस्तों बीकॉम प्रोग्राम की बीकॉम प्रोग्राम में जो कोर सब्जेक्ट है वो है कंपनी लॉ और इनकम टैक्स एंड प्रैक्टिस जो कि सभी बच्चों को पढ़ना है इसके अलावा स्किल इसके इन्हांसमेंट में कोई एक सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे ये थर्ड सेमेस्टर की बात हो रही है इसके लिए इन्हांसमेंट में आप कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस और साइबर क्राइम में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करोगे इसके बाद जो थर्ड सेमेस्टर में चौथा सब्जेक्ट होगा चलिए थर्ड सेमेस्टर के चौथे सब्जेक्ट की बात मैं बाद में करता हूँ वो क्यों वो भी आपको बताता हूँ पहले फोर्थ सेमेस्टर बी प्रोग्राम के देख लेते हैं यहाँ पर तो फोर्थ सेमेस्टर में बी प्रोग्राम के जो मेन सब्जेक्ट हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग है एक या कोस्ट अकाउंटिंग है और तीसरा सब्जेक्ट कोई इसके लिए इन्हांसमेंट में से कोई एक लेना है जिसमें ई कॉमर्स और पर्सनल टैक्स प्लानिंग चॉइसिस है अब जो चौथा सब्जेक्ट होगा बी प्रोग्राम में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में वो कुछ इस तरह से होगा देखिए यहाँ पर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना होगा अब वो आपकी मर्जी है आप या तो वो सब्जेक्ट थर्ड में पढ़ो या फिर फोर्थ में पढ़ो और इंग्लिश कौन सा पढ़ोगे जो आप प्रीवियस ईयर में पढ़ के आ रहे हो आपके पास फर्स्ट ईयर में फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में या तो इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर होगा या इंग्लिश प्रोफिशेंसी या फ्लुएंसी होगा तो उसी का सेकेंड पार्ट आप थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लोगे यानी कि जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें ऑप्शन आएगा या तो आप थर्ड में इंग्लिश लो या फोर्थ में इंग्लिश लो अगर थर्ड में इंग्लिश लेते हो तो फोर्थ में हिंदी होगा और अगर थर्ड में हिंदी लेते हो तो फोर्थ में इंग्लिश होगा ठीक है जी तो इस तरह से आपको चूज करना है चौदह सब्जेक्ट मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ जो आपके फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज थी एम में वही सेम लैंग्वेज रहेगी लाइक अगर हिंदी ए थी तो हिंदी ए रहेगी उर्दू थी तो उर्दू ए रहेगी पंजाबी या तमिल थी तो पंजाबी रहेगी अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप थर्ड में इंग्लिश पढ़ना चाहते हो या हिंदी पढ़ना चाहते हो अगर थर्ड में इंग्लिश पढ़ोगे तो फोर्थ में हिंदी लेनी पड़ेगी और अगर थर्ड में हिंदी लोगे तो फोर्थ में इंग्लिश लेनी पड़ेगी बहुत से बच्चे ये सवाल करेंगे सर मेरे इंग्लिश में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे अस्सी से ज़्यादा मार्क्स थे और मैंने फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पढ़ी थी लेकिन मेरे डैशबोर्ड में ऑप्शन नहीं आ रहा उसका मेरे डैशबोर्ड में इंग्लिश प्रोफिशनसी का ऑप्शन आ रहा है वो इसलिए आ रहा है बिकॉज उसके अंदर काफ़ी ग्लिचेस होते हैं एडमिशन फॉर्म में अगर आप इंग्लिश प्रोफिशंसी चूज़ करके सपोज़ करिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पढ़ी है और आपने से थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म में इंग्लिश प्रोफिशंसी चूज़ करके फीस पेमेंट कर दी तो आफ्टर ऑल एट द लास्ट मोमेंट वो उसको चेंज कर देंगे ठीक है तो इस चीज़ का आप जरूर से ध्यान रखिए जो आप पढ़ के आ चुके हो उसी का सेकेंड पार्ट आपको पढ़ना है चाहे कुछ भी हो ठीक है जी और अब हमारा बच्चा लास्ट कोर्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स है वो है बी प्रोग्राम देखो बी प्रोग्राम में भी कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है सब्जेक्ट समझने में आपको थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट आई नो पता होंगे आपको जो ये डिसिप्लिन सब्जेक्ट है इसमें से कोई दो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं जो आप फर्स्ट ईयर में चूज करके आए थे अब आपको पता है वही दो सब्जेक्ट आप थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन पढ़ोगे अगर आपके पास हिस्ट्री पॉल साइंस का कॉम्बिनेशन है तो वही पढ़ोगे इकोनॉमिक्स है आपके पास तो वो पढ़ोगे एजुकेशन या जो भी आपके पास सब्जेक्ट है तो दो सब्जेक्ट में तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए ये थर्ड में भी और आपका फोर्थ में जाओगे तो अगेन आप डिसिप्लिन में से दो सब्जेक्ट्स पढ़ोगे इसके बाद बारी आती है हमारी स्किल इन्हांसमेंट की तो थर्ड सेमेस्टर में स्किल इन्हांसमेंट में आपके पास कोई चॉइसेस हैं तो उसमें से आपको चूज़ करना है जिसमें आपका अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक सर्वे है और एजुकेशन रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड है इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडीज़ है हिस्ट्री इंट्रोडक्शन टू तो आर्ट इन द सब कॉन्टीनेंट है और संस्कृत है ठीक है सिमिलरली फोर्थ में आप जाओगे तो अगेन स्किल इन्हांसमेंट में से कोई एक लेना है आपको इकोनॉमिक्स डाटा अनालिसिस और एजुकेशन रिफ्लेक्टिव लर्निंग इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडीज़ अगेन है अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडीज़ थर्ड सेमेस्टर में पढ़ लिया आपने तो फोर्थ सेमेस्टर में दोबारा चूज नहीं कर सकते और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडीज़ स्किल इन्हांसमेंट में पढ़ना कंपलसरी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश पढ़ो या कोई और सब्जेक्ट पढ़ो और हिस्ट्री है फोर्थ सेमेस्टर में चॉइस और संस्कृत है अब यहाँ पर बच्चे एक और सवाल करेंगे कि सर मेरे पास डिसिप्लिन में पोलिटिकल डिसिप्लिन में हिस्ट्री है तो क्या मैं स्किल में भी हिस्ट्री ले सकता हूँ हाँ जी बिल्कुल ले सकती हूँ ठीक है बस ये समझ लो यार स्किल में कोई एक चूज़ करना है आपको फ़र्क नहीं पड़ता डिसिप्लिन में आपके पास अगर इकनॉमिक्स है आप स्किल में दोबारा इकनॉमिक्स ले रहे हो तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता आप ले सकते हो ठीक है कोई इशू नहीं है उसमें और जो हमारा चौथा सब्जेक्ट रहेगा थर्ड सेमेस्टर में वो अगेन सेम कहानी है एम वाली अगर आपके पास एम में फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर और हिंदी थे तो सेकंड तो सेकेंड ईयर में भी यानी कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके पास वही दोनों सब्जेक्ट होंगे अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप पहले इंग्लिश पढ़ना चाहते हो या हिंदी अगर आप थर्ड में इंग्लिश पढ़ोगे तो फोर्थ में हिंदी लेनी पड़ेगी और अगर थर्ड में हिंदी लोगे तो फोर्थ में इंग्लिश लेनी होगी सिमिलरली अगर आपने फर्स्ट ईयर में हिंदी नहीं पढ़ी कोई और लैंग्वेज पढ़ी है आपने तो वही लैंग्वेज कंटिन्यू रहेगी और इंग्लिश आपने कोई भी पढ़ी हो लाइक इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ी हो तो उसका सेकंड पार्ट ही आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे अगर फॉर्म फिल करते टाइम सब्जेक्ट गलत शो हो रहे हो एम के अंदर वो आप चूज़ कर लीजिएगा अगर एंड मोमेंट पर भी वो सब्जेक्ट ठीक ना होते हों बट होगा क्या कि एट द एंड जब आप फॉर्म भर दोगे तो उसके कुछ टाइम के बाद वो सब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली आप लोगों को चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट ठीक है तो ये कुछ सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की अब मुझे लगता है कि आपको फॉर्म जब आप भरोगे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का जो कि एक साथ भरा जाएगा उसमें आप लोगों को कोई भी टेंशन कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और बच्चों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके कि सब्जेक्ट चूज़ करने की जो एक्चुअल गाइडलाइंस हैं वो क्या क्या है इसी के साथ अभी के लिए वीडियो में इतना ही थैंक यू